दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जिनकी शुरुआत आप 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों इन बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उसकी डिमांड तो जबरदस्त है लेकिन सप्लाई कम है, क्योंकि दोस्तों जो बिजनेस आइडियाज मैं आपको बताने वाला हूं उनको ज्यादातर बड़ी बड़ी सिटीज में किया जा रहा है लेकिन जो छोटी छोटी सिटीज है या फिर जो गाँव है वहां पर कोई भी इन बिजनेस को नहीं कर रहा है या फिर बहुत ही छोटे लेवल पे कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए। इन तीनों में से अगर आपको लगता है कि कोई भी बिजनेस आपके आसपास में अच्छा चल सकता है तो आप उसको शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन तीनों बिजनेस में से अगर किसी भी बिजनेस के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। नया बिजनेस शुरू करना बहुत अच्छी बात है पर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बिजनेस शुरू करने के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी जरूर करना चाहिए ताकि आप अपने और फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर सके। और इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। और दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रॉफिट मार्ट, क्योंकि प्रॉफिट मार्ट इंडिया नंबर वन पर्सनलाइज डिस्काउंट ब्रोकर है। इसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट मार्ट आपको ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर्स प्रोवाइड नहीं कर पाते, जैसे कि कॉल एंड ट्रेड चार्जेस 0 रुपीज है, मतलब अगर आप फोन करके किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए कहते हो तो आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाता है। और हाँ, पर ट्रेड के लिए आपसे सिर्फ 20 रुपया चार्ज लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, मतलब आपके अकाउंट के लिए एक डेडिकेटेड आदमी असाइन किया जाएगा जो आपको एनी टाइम हेल्प करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रॉफिट मार्ट आपको एडवांस लेवल की मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है जो आपको शेयर्स के बारे में एनालाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा दोस्तों आपको कस्टमाइज एल्गो ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलती है जिसमें आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि कितना प्राइस रहेगा तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाना चाहिए, कितना प्राइस रहेगा तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें आपको पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी मिलती है, मतलब डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई भी फिजिकल पेपर देने की जरूरत नहीं होगी, सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। तो अगर आप भी इन सारी फैसिलिटीज का फायदा उठाना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो प्रॉफिट मार्ट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन तीन बिजनेस आइडियाज के बारे में। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है पेट बेकरी बिजनेस, मतलब दोस्तों आप एक ऐसी बेकरी ओपन कर सकते हैं जिसके अंदर पेट से रिलेटेड खाने पीने का सामान मिलता हो। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर पे आपको पालतू जानवर मिल जाएंगे, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, मछली, गाय, भैंस और भी तरह तरह के जानवर लोग पालते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो लोग भी ऐसे जानवर को पालते हैं वो लोग इनको अपने फैमिली का हिस्सा समझते हैं, इनकी भी केयर उतनी की जाती है जितनी किसी इंसान की जाती है। बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि इंसान से ज्यादा केयर पालतू जानवर की जाती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के अंदर पेट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो लगातार ग्रो करती जा रही है और आने वाले फ्यूचर में भी इसमें ग्रोथ आपको दिखने वाली है, क्योंकि दोस्तों जिनके घर में भी पालतू जानवर होते हैं तो पालतू जानवर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो जरूर खरीदते ही खरीदते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे इंसानों का एक मील सिस्टम होता है, मतलब हम लोग सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, उसके बाद में हम लोग लंच करते हैं, फिर बाद में ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर डिनर करते हैं, ठीक उसी तरीके से जो पालतू जानवर होते हैं उनका भी मील सिस्टम होता है, उनको भी टाइम टाइम पे खाना देना पड़ता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पालतू जानवर से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के फूड्स आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ऐसी दुकान ओपन कर सकते हैं जिसके अंदर वो सारे फूड्स बनाकर बेच सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर ऐसा फूड हम बनाकर बेचेंगे तो क्या लोग हमसे खरीदेंगे, क्योंकि ऑनलाइन भी तो ऐसा फूड मिलता ही है और लोग ऑलरेडी खरीद रहे हैं तो हमसे कौन खरीदेगा। देखिए दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, मान लीजिए आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो उसको आप कैसा फूड देना पसंद करेंगे, फ्रेश फूड या फिर थोड़ा सा बासी फूड। देखिए दोस्तों जो भी फूड ऑनलाइन बिकते हैं वो कंपनी से लेकर कस्टमर तक पहुंचते अच्छा खासा टाइम चला जाता है, कम से कम 7 से लेकर 10 दिन का टाइम तो लगता ही होगा, इससे ज्यादा ही लगता होगा, मैं कम से कम 7 से 10 दिन बोल रहा हूँ। अब दोस्तों आप सोचिए जो फूड 10 दिन पहले बना था वही फूड अगर आपका पेट खाएगा तो क्या उसके हेल्थ के लिए अच्छा होगा, नहीं। अगर आप अपने आसपास के एरिया में फ्रेश फूड बनाकर बेचेंगे तो जो लोग भी पालतू जानवर रखते हैं वो लोग फ्रेश फूड खरीदना पसंद करेंगे, ना कि ऑनलाइन बिकने वाला फूड। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहें तो इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल में जो बड़ी बड़ी सिटीज है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, यहाँ पे आपको ऐसे शॉप मिल जाएंगे
जहाँ पे पेट से रिलेटेड फूड बनाए जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी सिटीज में या फिर गाँव में आपको ऐसी शॉप नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में ऐसी कोई दुकान खोली जाएगी तो बहुत ज्यादा चलेगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपको ऐसी दुकान खोलनी चाहिए। इसके अंदर आप पेट से रिलेटेड फूड बेच सकते हैं और साथ ही साथ अलग अलग ब्रीड के पेट्स भी बेच सकते हैं। देखिए दोस्तों डॉग्स में भी अलग अलग ब्रीड्स आते हैं, कैट में भी आती है, फिर रैबिट में भी आता है, मछली में भी आता है, तो आप इस प्रकार के जानवर भी बेच सकते हैं और साथ ही साथ उनका फ्रेश फूड भी बेच सकते हैं। तो ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं कि अगर कोई इंसान ये बिजनेस को शुरू करना चाहता है तो एकदम स्क्रैच से कैसे कर सकता है, उसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कैसे सारी चीजें होने वाली है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। दूसरा बिजनेस आइडिया है गार्डनिंग सर्विसेज। देखिए दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, आपको नेचर से प्यार है, पेड़ पौधे लगाना पसंद है, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। या फिर आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान है जिसको नेचर से प्यार है, पेड़ पौधे लगाना पसंद है या बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, तो आप उसके साथ भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब बिजनेस आइडिया एग्जैक्टली है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों हमारे देश में हर इंसान को पता होगा कि पेड़ पौधों से हमको फ्रेश एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और हर आदमी चाहता है कि उसके घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन हो। लेकिन दोस्तों शहरों में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि शहरों में बिल्डिंग होती है, एक घर के ऊपर दूसरा घर होता है, उसके ऊपर तीसरा घर होता है, तो वहां पे गार्डन बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है, आप उनको उनकी बालकनी के अंदर गार्डन सेटअप करके दे सकते हैं, और अगर किसी के पास बालकनी नहीं है तो उनके विंडो के अंदर गार्डन सेट करके दे सकते हैं, या फिर उनका जो रूफ टॉप होता है मतलब जो छत होती है वहां पर भी गार्डन सेट करके दे सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि कोई हमसे गार्डन क्यों सेट करवाएगा, वो लोग खुद भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, शहरों में रहने वाले लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन टाइम नहीं होता, और जिसके पास टाइम होता है उसको भी आइडिया नहीं होता कि कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए, कौन से प्लांट को कितनी लाइट की जरूरत होती है, कितने वाटर की जरूरत होती है, कितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ये सारी चीजों के बारे में उनको पता नहीं होता। लेकिन आप ये सारी चीजों के बारे में जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो आप सीख सकते हैं, उसके बाद में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको सैंपल वर्क की जरूरत पड़ेगी। तो सैंपल वर्क के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके घर के अंदर अगर बालकनी है तो उसके अंदर आप एक गार्डन सेटअप कर सकते हैं, अगर बालकनी नहीं है तो विंडो के अंदर कर सकते हैं, और अगर छत है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने छत के ऊपर गार्डन सेट कर सकते हैं। और एक बार आपने मतलब ये सेट कर लिया, उसके बाद में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इनको आप बुला सकते हैं आपके यहाँ पे, एग्जीबिशन रख सकते हैं, सब लोग आपका गार्डन देखेंगे, तो वहां से आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे पेजेस बना सकते हैं, मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपना पेज बना सकते हैं, फेसबुक पे बना सकते हैं, थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, वहां से भी आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास में एक आंटी है जिन्होंने बिजनेस को शुरू किया और बहुत ही कम समय में उनको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। उनको ज्यादा रिस्पॉन्स मिला इंस्टाग्राम की मदद से, उन्होंने अपना एक पेज बनाया, उस पेज पे वो रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, तो वहां से उनको बहुत सारे लीड्स मिलते हैं और उनमें से कोई ना कोई कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सोशल मीडिया पे पेजेस बनाने होंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत पैसा एडवर्टाइजमेंट में भी खर्च करना होगा, वहां से आपको इजीली क्लाइंट मिल सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपने किसी कस्टमर को उनका गार्डन सेटअप करके दे दिया, तो यहां पे आपका काम खत्म नहीं होता है, आपको रिकरिंग रेवेन्यू भी मिलने वाला है। वो कैसे मिलने वाला है, आप उनको एएमसी दे सकते हैं, मतलब उनके गार्डन का मेंटेनेंस का काम भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके अंदर आप लिखते हैं कि पर मंथ का मैं 2000 रुपए चार्ज करूंगा, तो पूरे साल का होगा 24000 रुपया। तो कोई भी आदमी जो अपने घर में गार्डन सेटअप करना चाहता है वो इजीली पूरे साल का इतना पैसा दे सकता है। मान लीजिए महीने के आपके पास 20 क्लाइंट है तो 2000 रुपए के हिसाब से हो जाता है 40000 रुपया। ये आपका रिकरिंग रेवेन्यू है, हर महीने आपको इतना पैसा तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो आप पूरा गार्डन सेट करेंगे उसके लिए आप अलग से पैसे ले सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, किसी भी गार्डन को मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एक ही दिन लगने वाला है। तो मान लीजिए अगर आपके पास 20 कस्टमर भी हैं, तो अगर आप रोजाना एक एक कस्टमर के पास जाएंगे तो फिर भी आप महीने में इजीली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास क्लाइंट बढ़ जाए तो फिर आप लोगों को रख सकते हैं और उनसे भी काम करवा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं कि कैसे इसकी शुरुआत की जा सकती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तीसरा बिजनेस आइडिया कस्टम प्रिंटिंग बिजनेस। अब दोस्तों कस्टम प्रिंटिंग बिजनेस एक्जेक्टली होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपका कोई कस्टमर है जिसको कोई पर्टिकुलर डिजाइन या कोई टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, तो आप उसको उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिंट करके देते हैं। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि हम प्रिंट किसके ऊपर करके देंगे। देखिए बहुत सारे मटेरियल होते हैं, जैसे कि आप टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करके दे सकते हैं, मग के ऊपर दे सकते हैं, किचन के ऊपर दे सकते हैं, टाइल्स के ऊपर दे सकते हैं, टोपी के ऊपर दे सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर आप प्रिंटिंग करके दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट में जो चीज सबसे ज्यादा बिकती है वो
होती है टी शर्ट्स। देखिए दोस्तों, एक कंपनी है जिसका नाम है बेवकूफ.com। इन्होंने भी कस्टम प्रिंटिंग बिजनेस शुरू किया था और आज ये कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। तो आप भी इनकी तरह ही कस्टम प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये बिजनेस शुरू किया तो आपको क्लाइंट दो तरीके से मिल सकते हैं, सबसे पहला ऑफलाइन और दूसरा तरीका ऑनलाइन। ऑफलाइन में आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कस्टम प्रिंट की हुई चीजें ज्यादातर गिफ्ट देने के लिए काम आती है, तो आपके आसपास के एरिया में जितने भी गिफ्ट शॉप हैं आप उनको बता सकते हैं कि मैं कस्टम प्रिंटिंग का बिजनेस करता हूं। तो आपको अगर टी शर्ट, मग, किचन, कुछ भी चीज प्रिंट करवानी होगी आपके कस्टमर के डिमांड के हिसाब से, तो आप उनसे इतने पैसे ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप चार्ज कर रहे हैं 200 रुपया, तो वो अपने कस्टमर से 400, 500 जितना भी वो लेना चाहे उतना ले सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, आपके आसपास में जो भी स्कूल है, कॉलेजेस है, कोई मंडल होगा या फिर हॉस्पिटल होगा, तो वहां पे जाके बात कर सकते हैं कि मैं कस्टम टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस करता हूं, तो अगर आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी प्रिंट करवा के टी शर्ट चाहिए तो मैं आपको बनाकर दे सकता हूं। इसके अलावा दोस्तों, आपको ऑनलाइन कैसे कस्टमर्स मिल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आपको ऑनलाइन ही ज्यादा टारगेट करना चाहिए, वहां से आपको ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, क्योंकि बेवकूफ.com के जो मैक्सिमम कस्टमर्स हैं वो भी ऑनलाइन ही हैं। अब आप ऑनलाइन कैसे टारगेट कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपको ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करना होगा, और आप अपने लिए ई कॉमर्स स्टोर कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, 40 मिनट का वीडियो है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा बताया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं कि आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में अपने लिए ई कॉमर्स स्टोर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली एक चीज करनी है, जो भी चीज अभी मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रही है, जो भी चीज अभी वायरल हो रही है, उस चीज से रिलेटेड आपको टी शर्ट प्रिंट करनी होगी। जैसे आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले एक महिला बहुत ज्यादा फेमस हुई थी जिन्होंने बोला था ये मैं हूँ, ये मेरी कार है और यहाँ पे पारी हो रही है। अब दोस्तों, मान लीजिए आपने उस टाइम पे कुछ टी शर्ट प्रिंट की होती जिसके अंदर ये स्लोगन लिखा होता कि ये मेरी कार है, ये मैं हूँ और पारी हो रही है, तो आप सोचिए उस टाइम पे आपकी कितनी सारी टी शर्ट बिकी होती। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आप ये बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको ट्रेंडिंग चीजों को फॉलो करना है, जो भी वीडियोस वायरल होते हैं उनसे रिलेटेड आपको टी शर्ट बनानी है और उसको बेचना होगा। और देखिए, कस्टम प्रिंटिंग बिजनेस में क्या होता है कि आपको टी शर्ट प्रिंट करके रखने की जरूरत नहीं है, जब आपको ऑर्डर आएगा तो उसके हिसाब से आप टी शर्ट को प्रिंट करके कस्टमर को भेज सकते हैं। मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में कोई चीज ट्रेंडिंग में चल रही है, उससे रिलेटेड आपने एक डिजाइन बनाई और उसका फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट कराया, तो आपको जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उसी के हिसाब से आपको टी शर्ट को प्रिंट करना है और कस्टमर को भेजना है, पहले से प्रिंट करके रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन सी मशीन खरीदनी पड़ती है और आपको टी शर्ट कहाँ से मिल सकती है, सारी चीजों के बारे में अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रॉफिट मार्ट का लिंक दे दिया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और अपने लिए आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।